का डिज़ाइन बनाने के लिए यहाँ मैंने कपड़ा लिया है जिसकी लेंथ है 22 इंच, और मैंने इसमें बीच में कट लगा दिया है और साइड से हम मार्जिन छोड़ेंगे। जितनी आपको फिटिंग चाहिए आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। यहाँ मैंने 4 इंच रखा है। उसके बाद कट लगा देना है आपको, और उसके बाद चुन भर लेंगे हम। जहाँ हमारा कट है वहाँ तक चुन भरेंगे, अदरवाइज़ उसके आगे चुन नहीं भरेंगे। तो आप देख सकते हो 1 बाय 1 यहाँ चुन भरनी है। यहाँ मैंने 1 बाय 1 चुन भर लिए। याद रहे चुन हमारी एक के ही ऊपर एक आनी चाहिए बिल्कुल, और आगे पीछे ना हो चुन। उसके बाद एक साइड से हमारी जो चुन है वो रेडी हो चुकी है। अब ऐसे ही हमें दूसरी साइड चुन भरनी है। इस तरीके से मैं आपको बता देती हूँ चुन भर के। इसी तरीके से बिल्कुल बीच में सेंटर करके चुन भरनी है आपको। जहाँ हमारा कट है कट तक हमें चुन भरनी है, कट से आगे हमें चुन नहीं भरनी। उसके बाद आप देख सकते हो जो हमारी हमें इस तरीके से सिलाई लगा देनी है, और देख सकते हो आप इस तरीके से जो हमारा डिज़ाइन है वो कुछ इस तरीके से लुक आएगा पफ स्लीव्स का। उसके बाद बीच में सेंटर दिख रहा होगा, इस तरीके से हम बीच बाय बीच का जो सेंटर है उसमें सिलाई लगा देंगे। याद रहे सिलाई हमें अच्छे से लगानी है, बिल्कुल ज़्यादा जो हमारी स्लीव्स का डिज़ाइन है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आए इसका ध्यान रखना। और हमने इसमें कटिंग नहीं करी है स्लीव्स की, हम डिज़ाइन भरने के बाद चुन जो भरें उसके बाद हम कटिंग करेंगे स्लीव्स की। देख सकते हो आप इस तरीके से जो चुन है वो फिनिशिंग के साथ भरने चाहिए। अगर आप पहले सेट कर लें अच्छे से कि हमारे चुन है वो भर चुका है या नहीं, अब एक और चुन अगर इस तरीके से आपको दिक्कत होती है तो आप एक सिलाई लगा लें। हमारी जो सिलाई है लग चुकी है। यहाँ मैंने पट्टी ली है जिसकी चौड़ाई है 3 इंच। यहाँ डिज़ाइन डालने के लिए मैंने पट्टी ली है, तो आप देख सकते हो। अगर आप चैनल पर न्यू हैं वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। जो आपको इसमें समझ नहीं है मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी। सो फाइनली आप देख सकते हो उसके बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी हम कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से हम मोड़ लेंगे, जैसे हम नॉर्मली बाजुओं पे पट्टी लगाते हैं इसी तरीके से आपको पट्टी लगानी है। उसके बाद जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है हम उसकी कटिंग कर लेंगे। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल आइकन का जो रेड बटन है उसे ज़रूर दबा दें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और ये मैंने बहुत ही ईजी तरीके से आपको बताइए ये स्लीव्स वाली स्लीव्स की कटिंग विद स्टिचिंग बहुत ही इजी तरीके से बताई है। सो आप देख सकते हो उसके बाद बीच का सेंटर बीच में रख के, उसके बाद हम मैंने यहाँ जो कोना है 2 इंच नापा है। उसके बाद जैसा आप स्लीव्स का डिज़ाइन कट ड्राफ्ट लगाते हो नॉर्मली इसी तरीके से हम कटिंग कर देंगे। हमारे स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है आप देख सकते हो, और हमारा डिज़ाइन कुछ इस तरीके से शो हो रहा है आप देख सकते हो। यहाँ मैंने एक पट्टी ली है फ्लावर के लिए, आप चाहो तो आप ऐसे भी बना सकते हो स्लीव्स, बट मैंने यहाँ फ्लावर की लंबाई इसकी 15 इंच है और चौड़ाई 2 इंच है। उसके बाद इस तरीके से फोल्ड कर लें। जैसा आप नॉर्मली बेल्ट में चुन भरते हो कपड़े में वैसी तरीके से फ्रिल टाइप से हमें चुन भरनी है 1 बाय 1। बहुत ही इजी तरीके से ये मैंने आपको स्लीव्स डिज़ाइन बताया है। सो आप देख सकते हो 1 बाय 1 करके। अगर आपको फ्लावर पसंद नहीं है तो आप ऐसे ही सिंपल कर सकते हो, बट आपको अगर फ्लावर पसंद है तो आप इजी तरीके से लगा सकते हो। मैंने फ्लावर का ही बता दिया आपको। उसके बाद बीच में हम सेंटर रख लेंगे, सेंटर निशान लगा के। उसके बाद जो हमारी ये जो फ्रिल है इस तरीके से आप याद रहे आपको गोलाई में ले जानी है। आपको ज़रा सी भी टेढ़ी तिरछी कुछ नहीं करनी, गोलाई में हमें फ्रिल लगानी है बिल्कुल। और जो हमारे जो फ्लावर का डिज़ाइन है वो ऑटोमेटिकली फ्लावर बन जाएगा इस तरीके से आप देख सकते हो। सो हमारा जो फ्लावर है वो रेडी हो चुका है लग के, और इसका फाइनल लुक मैं आपको दिखा देती हूँ। तो आप देख सकते हो याद रहे जो फाइनल जो हमारा कपड़ा रहेगा उसे हम अच्छे से कपड़े को फोल्ड करके लगा दें, दबा दें, अच्छे सिलाई लगा दें ताकि हमारा जो डिज़ाइन है वो फिनिशिंग आए बहुत ही इजी तरीके से। सो फाइनल लुक आप स्लीव्स का देख सकते हो जो कि बहुत ही इजी तरीके से बन गया है, और देख सकते हो कितना प्यारा लुक आ रहा है। सो